हस्बैंड का होती थी और उसका बच्चा ससुराल में बताती है कि ऐसे ऐसे मैटर है, तो बेटा तुमको देखना वो लड़का किसी के साथ भी अफेयर करे चलेगा, लड़की करे नहीं चलेगा। तो उसमें मैरिज राइट के साथ आपको यह अधिकार दिया गया है और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज आप, और आप देखिए कि आज के समय में आप हर नए कभी दबाई जाती थी माँ के बाप के द्वारा भी, सास ससुर के द्वारा भी, रोड में जाके देखिए फिगर्स देखिए, रेट ऑफ डिवोर्स इन यंग मैरिज ग्रुप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। चूंकि शिक्षित महिलाएं होंगी, बच्चियां पढ़ेंगी, तभी वो अपने अधिकार को समझ पाएंगी। तो ये कार्यक्रम के द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम दे रहे हैं ह्यूमन राइट्स के स्टूडेंट्स को, एनजीओ के जो वॉलंटियर आए हैं उनको, या हमारे सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स को, ताकि वो इसका प्रचार प्रसार करके लोग राइट्स के समझे। जब हमारी राइट्स की जहां बात आती है तो ड्यूटीज जो कर्तव्य है, जो अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से अनुराग से संबंध है, एक रिलेशनशिप है, तो संबंध जो है हम कहाँ तालमेल करेंगे समाज को सोसाइटी को, इसके द्वारा ये समय समय पर कार्यशाला होना चाहिए। आज हो रहा है, इसी तरह से ब्लॉक लेवल पर या पंचायत लेवल पर या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार होगा। तो धीरे धीरे जागृत महिलाएं हो रही हैं, ऐसी बात नहीं है, जागृत हो रही हैं। आज जो कॉन्शसनेस बढ़ा है, जो हमारा तीन स्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है, जिसके माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। हमारे जैसे जो समाज से जुड़े या जो एनजीओ से जुड़े लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका ये दायित्व तो बनता है वो तो गांव-गांव में जाएं, महिलाओं को जागरूक करें, इनफैक्ट महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी जागरूक करें कि वो अपने घर की महिलाओं को स्पेस कि वो मत देने का जो उनका अधिकार है उनके ऊपर उनके पिता, उनके बेटे, उनके पति का अधिकार ना चले। वो जिसे चाहे वोट दे सकती है क्योंकि वो उनका अधिकार है, उससे उनको वंचित नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, शिक्षा के क्षेत्र में भी गांव में उतनी मैंने नहीं देखी अभी तक, परसेंटेज के हिसाब से मैं जो देख रही हूँ आंकड़े बताते हैं, वो लड़कों को ज़्यादा भेजते हैं, लड़कियों को कम भेजते हैं। तो पूछने पर पता चलता है कि क्या करना है, पर करेंगे तो शादी करनी चूल्हा जमा करें। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि मैं गांव में भी और शहरों में भी, शहर एकदम मैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात नहीं करूँ, शहर जो गांव से थोड़े ऊपर होते हैं वहाँ भी यही प्रचलन है कि वो लड़कियों को उतना तवज्जो नहीं देते जितना देना चाहिए। हमारी कोशिश यही रहती है कि उनको हम जागरूक करें, शिक्षा का महत्व बताएं, उनका जो राजनीति में उनका जो महत्व है, महिलाओं को राजनीति में भी आना चाहिए, उसके लिए जो 35% की जो भागीदारी की बात हमेशा होती है या देने की बात होती है, वो महज एक इलेक्शन के टाइम पे उठता है और फिर वो बात दब जाती है, वो दबनी नहीं चाहिए। वो जो है, जो उनका हक है वो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि महिलाएं दायित्व निभाती हैं तो उनको हक पाने का भी हक है।